ओ हमारा कहाँ है? राइट देयर। या हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल एंड होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आज हम कैंडल यूनिवर्सिटी आए हुए हैं और आज यहाँ पे बारबेक्यू लंच ऑर्गेनाइज किया गया है करंट स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही मुझे अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक्स भी पिक करनी थी, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा घूम लेते हैं और आपको भी घुमा लेते हैं यूनिवर्सिटी। तो चलो आओ घूमते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इंडियंस कितने आते हैं यूनिवर्सिटी में, अभी आपको दिख जाएंगे बारबेक्यू लंच जो हो रहा है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में आई हूँ, इंडियंस की पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। बढ़िया ना, क्वेश्चन ज़्यादा है मेरे ख्याल से। 75-25% होगा, 75% इंडियंस, 25% रेस्ट। सो दैट्स बारबेक्यू टेबल्स जो भी खाना खाने ऊपर से लेके आ रहे हैं यहाँ पे आगे खा रहे हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। दैट्स प्लेग्राउंड सॉर्ट ऑफ। मैं छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटी है। टोटली डिफरेंट फ्रॉम माई इंग्लैंड यूनिवर्सिटी, वो तो पुराने जमाने टाइप वाली, क्योंकि इंग्लैंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो पुरानी टाइप की बनी हुई है, पुराने ओल्ड बिल्डिंग्स। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो वो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, दैट्स कॉलबर्न हाउस, और एक और हॉस्टल है आई थिंक दैट्स दैट वे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, आप देखोगे बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे। अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और साथ में हॉस्टल में रहना चाहता है तो वो भी रह सकता है, बट इंडियंस नहीं रहते ज़्यादातर। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं जो बाकी सिटीज से या बाकी प्रोविंस से आ रहे हैं वो रहते हैं। इंडियंस भी रह सकते हैं बट प्रेफर नहीं करते इंडियन रहना, क्योंकि थोड़ा सा आउटस्कर्ट पड़ जाता है आपको। कोई भी चीज़ एमेनिटीज वगैरह टू गो आउटसाइड एंड देन फिर बस करनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोग जिनके पास कार्स होती हैं वगैरह वो लोग थोड़ा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आना जाना ईजी होता है कम्यूट करना, और ये ज़्यादा दूर नहीं है जितना आपको दिखाया था। यही वो प्ले ग्राउंड है और उसके बिल्कुल सामने हॉस्टल है। सो दिस इज माई कार्ड, यूनिवर्सिटी के किसी भी गेट पे वैलिड है और ये गेट खुल गया। अब हम अंदर चलते हैं। That's library. And that's vending machine. Yeah, बाहर जाने की जरूरत नहीं, कुछ खाना पीना यहीं पे खा लो। You just have to tap in, number दबाओ, as same as India. हाँ, that's the entrance. हम यहाँ से अंदर आए थे, यहाँ से। That's cafeteria of university. अभी सब खाली पड़ा है क्योंकि barbecue बाहर हो रहा है। वाईफाई कनेक्ट करना है तो दैट्स द पासवर्ड टीवी में दिख रहा है। वाईफाई नेटवर्क, इट सेज योर आईटी पैकेज हैज द पासवर्ड। ओह हमारा कहाँ है? राइट देयर। या तो हम आखिरी सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी घूम रहे हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस अभी होने वाली है, तो मुझे भी जब मैं आऊँगी क्लासेस करने तो ये नहीं पता कहाँ जाना है, तो आई वाज जस्ट आल्सो लुकिंग अराउंड। अच्छा, तो क्लासरूम्स लिखे हैं, दैट्स ऊपर क्लासरूम्स लिखे हैं, तो मेरे पास 292 से 294 कौन सी क्लासरूम है। लेट्स ये लॉकर है,
होपफुली आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही होगी, जो भी आने वाले प्रोस्पेक्ट्स स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि ग्रैंडर कैसी है, तो आप खुद देखो अपनी आँखों से हमारे साथ ही। Writers wanted. थोड़े दिनों में मेरी भी फोटो ऐसी लगी होगी। अंदर ही अंदर काफी, आप जब आओगे तो आपको क्लासरूम पता होगी, तो आई नो वेटिंग आस पास स्टूडेंट्स घूम रहे होंगे तो खाली है। और मैं तो सोच रहा हूँ वापस जाएंगे हम, गुम हो गए। नहीं नहीं गुम नहीं हो गए, यहाँ से नीचे। ओके Come on. Let's go. और ये एक चीज मैं और सोच रहा था, जब ये वीडियो डलेगी तब आप इंडिया में होगी। हाँ। तो आप खुद भी इंडिया से देखोगी। अभी जब हम बुक स्टोर जाएंगे मेरी बुक्स पिक करने, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बुक स्टोर में यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के सोवेनियर्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगी। प्योर वेज। मेरा मुगल थोड़ा बड़ा है। The books in the university bag, and मेरा ये भी मिस हो गया था तो मेरे को ये बाय करना पड़ा, क्योंकि जब मैं आई थी तो उस वक्त ऑरियंटेशन मेरी ऑनलाइन हुई थी और मुझे कोविड हो गया था तो मैंने अटेंड नहीं किया था कुछ भी। होपफुली ये छोटा सा टू क्रैंडल यूनिवर्सिटी का आप सबको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल। और जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में, मैं पता ही है कि इंडिया जा रही हूँ, तो होपफुली थोड़ा सा इंडिया शूट करने की कोशिश करूँ। ये काम रह गया था आपका? ये मेरी बेटी का फेवरेट कलर है तो मैं उसको सरप्राइज देना चाहूँगी। ओह वाओ, वो भी एंड मोमेंट पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।